जी, नवीन को मैं लेकर आ गई हूँ होटल। आई थिंक फिलहाल के लिए मैं सेफ हूँ। कैसी है नवीन? ठीक तो है ना? तुम्हें तंग तो नहीं करी? मामा आपकी सोच से भी ज्यादा। आपको पता है वो इतना बुरा रिएक्ट करी थी, मुझे मुझे डर लग रहा था कि कहीं होटल वाले ये ना समझे कि मैं उसे किडनैप करके लेकर आई हूँ। वो मुसलसल कह रही है कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। हैरत की बात है, तुम्हारी अपनी बच्ची तुम्हें मां मानने से इनकार करी है। नवाल ऐसे सच पूछो ना, ये सारी मुसीबत तुम्हारी अपनी पैदा करता है। आपको क्या हो गया है मामा? आप क्यों ऐसी बातें करती हैं? आप हमेशा मुझे मेरी गलतियां याद दिलाती रहती हैं। आपकी बातें मेरा मोराल डाउन करती हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं अपने लाइफ डिसीजंस पर कितना पछताती हूँ। मैं क्या करूं आप बताएं? अगर मैं पास्ट में जाके अपनी गलतियां ठीक कर सकती तो मैं कर आती, पर ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। नवीन मेरी बेटी है, मेरा खून है वो, और अब मैं इसके बगैर नहीं रहूंगी। मैं तो बता रही हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुकी हो तो जो करना है तुम करो। मगर जरा एहतियात से काम लेना, जोएब छोड़ेगा नहीं, इस तरह हाथ पे हाथ धरे रखे नहीं बैठेगा। वो जरूर पुलिस केस करेगा और हो सकता है कि वो फ्लाइट इंक्वायरी भी करे। जो करना है उसने वो कर ले। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि जैसे वो मेरी बच्ची को बगैर बताए ले जा सकता है, मैं भी ले जा सकती हूँ। अगर उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया भी तब भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखूंगी मैं कि दुनिया की कोई भी अदालत एक बच्ची को उसकी मां से कैसे अलग करती है। नवीन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी, सबसे लड़ूंगी। ख्याल रखना अपना, कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना बेटा।